हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है? सबके मस्त मजे में? थे एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है, और क्या करना है? अपना काम करते रहना है। कल अपन ने बात करी थी इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें इंट्रोडक्शन है अपन ने कुछ मेन मेन टर्म्स के बारे में बात करा था। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अपने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है अपन ने वो देखी थी। उसके बाद में अपन ने जो है पीपीएफ के बारे में देखा था, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स वो है कि भाई अपन के पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करके अपन कैसे अपने डिमांड्स को फुलफिल कर सके, जो ये क्या है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या है, अपन वो चीज यूज करके क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज एक्शन में ला रहे हैं, वो क्या है इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे जो काम में आती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एग्रीगेट लेवल पे जो आती है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद फंडामेंटल क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बाद में अपन ने सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट के बारे में देखा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन सी सिटीज, वो कंट्रीज है, वो कौन कौन से है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और अपना वेनेजुएला। अपने कैपिटलिस्ट में क्या क्या है, यूएसए, जापान, स्वीडन, फ्रांस, और अपने मिक्स इकोनॉमी क्या है, इंडिया। पीपीएफ के बारे में देखा, जो कि अपन को लिमिटेड रिसोर्स दिए गए हैं उसको यूज करके उसके कॉम्बिनेशन बना के अपन क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसके बाद अपन ने नॉर्मेटिव और क्या बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देखी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, किसी भी चीज के फैक्ट्स अगर अपन को प्रूफ करना है तो उसके साथ में अपन को एक डाटा चाहिए कि वो डाटा प्रूफ करता है वो फैक्ट को, तो वो क्या है पॉजिटिव। नॉर्मेटिव की डिजायरेबल, वो जो मैकेनिज्म अपन ने पॉजिटिव में यूज करा है वो मैकेनिज्म डिजायरेबल है या नहीं है, क्या बोलता है अपना नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज अपन बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसमें अपन कुछ टर्म्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्म है, सबसे पहले तो आती है डेवलपमेंट, कौन सी है सबसे पहली, सबसे पहली है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट आपके नजरिए से डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट क्या है, अपन इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आज एक आदमी है, एक गांव है, इस गांव में ये किसान है जिसका नाम क्या है, रोहित। रोहित नाम का किसान है, इसके लिए इसके गांव की डेवलपमेंट क्या होगी, इसके गांव की डेवलपमेंट ये होगी कि यहाँ पे गांव जो है हरा भरा, यहाँ पे पेड़ हो, यहाँ पे घर हो, क्या हो, यहाँ पे घर हो, तो ये क्या है, अच्छे पक्के घर हो, ये है रोहित के लिए इसके गांव की डेवलपमेंट। लेकिन वही अगर कोई दूसरा इंसान है जिसका नाम है वैभव, उसके लिए इस गांव की डेवलपमेंट ये होगी कि यहाँ पे अच्छी जो है फैक्ट्री लगानी। वो क्या है, ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है वैभव, जो क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके लिए इस गांव की डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे इस गांव को इसको कैसे अपनी जो नई नई फैक्ट्रीज है वो लगा के डेवलप करना, वो किसके लिए डेवलपमेंट है, इसके लिए वैभव के लिए। लेकिन जो वैभव का डेवलपमेंट है वो जो है रोहित का डिस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट अलग अलग सेट ऑफ पीपल्स के लिए अलग अलग होता है, और किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन होता है, तो यही चीज क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डेवलपमेंट रेफर करता है सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ पॉजिटिव चेंज। सस्टेनेबल ग्रोथ तो हो लेकिन साथ में क्या हो, पॉजिटिव चेंज हो, वही कहलाता है डेवलपमेंट। जैसे कि रोहित और वैभव है, वैभव इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाना है इस गांव में। रोहित के लिए डेवलपमेंट है कि यहाँ पे अच्छा पेड़ पौधे हो, यहाँ पे पक्के घर हो, ये क्या है रोहित के लिए डेवलपमेंट है। लेकिन रोहित का जो डेवलपमेंट है वो वैभव के लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन है। क्या है, डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि रोहित इसको फैक्ट्री लगाने नहीं दे रहा। वही वैभव का जो डेवलपमेंट है वो रोहित के लिए डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि वैभव जो है रोहित को यहाँ पे अच्छे पक्के मकान बनाने नहीं दे रहा। तो यही चीज होती है डेवलपमेंट की, अलग अलग सेट ऑफ पीपल्स के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होती है, और किसी की डेवलपमेंट किसी के दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन होती है। इसीलिए क्या है डेवलपमेंट की, ये तो एग्जाम्पल है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, एक मिनट,
डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट रेफर करता है सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चेंज। क्या है डेवलपमेंट, क्या है डेवलपमेंट रेफर्स टू सस्टेन्ड ग्रोथ इन अ पॉजिटिव मैनर। मतलब कि क्या, आज अपन तीन जगहों के एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि केरला, केरला हो गया, एक हरियाणा हो गया, एक अपना राजस्थान हो गया। राजस्थान भी नहीं, अपन देख रहे पटना, पटना बिहार, तीन जगह के एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि केरला का एक आदमी जो है 2.5 लाख रुपए कमाता है, वही हरियाणा का एक आदमी 1.5 लाख रुपए कमाता है, वही पटना का एक आदमी 50,000 कमाता है, तो आपके नजरिए में डेवलपमेंट किसकी ज्यादा होगी? आपके नजरिए में डेवलपमेंट होगी भाई केरला की, डेवलपमेंट ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा कमा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होती, डेवलपमेंट होती है सस्टेन ग्रोथ। यहाँ क्या लिखा है, सस्टेन ग्रोथ हो, ग्रोथ का मतलब हर सेक्टर में ग्रोथ हो। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में ग्रोथ जो है हरियाणा की ज्यादा है और केरला की कम है, क्या माने कि भाई हरियाणा का डेवलपमेंट ज्यादा है? पैसे से कोई मतलब नहीं, एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट का मतलब यह है कि वहां पे कोई भी समस्या नहीं है, वहां पे अच्छा प्रॉपर घर है, प्रॉपर उनके आने जाने की रोड की व्यवस्था अच्छी है, ये सब अच्छा है, तो वही चीज क्या कहलाती है, वही चीज डेवलपमेंट कहलाती है। तो डेवलपमेंट क्या है, सस्टेन ग्रोथ इन अ पॉजिटिव मैनर, सस्टेन ग्रोथ इन अ पॉजिटिव मैनर क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। आया समझ में कि डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट क्या है, हर सेट ऑफ पीपल्स के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होती है, किसी की डेवलपमेंट किसी के लिए डिस्ट्रक्शन होती है, और डेवलपमेंट की डेफिनेशन कि सस्टेन ग्रोथ हो पॉजिटिव मैनर में हो, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो है, डेवलपमेंट में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी दिक्कत, कमेंट में बताना कि भाई समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो फिर वापस से समझाएंगे। तो डेवलपमेंट अपन ने देखी, डेवलपमेंट क्या होती है। दूसरा अपन देखते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे पहले अपन ने क्या देखी, डेवलपमेंट, दूसरा अपन देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? इकोनॉमी में तीन टाइप के सेक्टर्स होते हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी, इसके बाद है टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में अपन इन तीनों का भी एग्जांपल देखते हैं कि भाई एग्जांपल क्या है। मान लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में मान के लेते हैं आते ही फार्मर है इसमें। प्राइमरी सेक्टर में कौन आते हैं, फार्मर आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, और टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर। क्या है, सर्विस सेक्टर। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, तीनों एक ही बारी में समझ में आ जाएंगे कि आज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के तीनों के देखते हैं कि एक किसान है, किसान जो है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन ब्रेड का। किसका एग्जांपल लेंगे अपन, ब्रेड का एग्जांपल लेंगे कि एक किसान है, वो जो है गेहूं उगा रहा है, क्या उगा रहा है, वीट उगा रहा है। किसान क्या उगा रहा है, वीट उगा रहा है। ये वीट क्या है, ब्रेड के लिए रॉ मटेरियल।
तो किसान क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है रॉ मटेरियल का, और ये जो प्रोडक्शन है ये किसके पास में जा रहा है, फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास में जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये वीट यहाँ से खरीदेगी और खरीद के एक पैकेट में पैक करेगी, इस पैकेट में पैक करके इसको एक लेबलिंग देगी कि ये जो है किसकी है, ब्रिटानिया की है, इसकी ब्रेड है, ब्रिटानिया की ब्रेड है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सिर्फ वहां से किसी ट्रक से और किसी भी चीज से, साधन से, ट्रक से ये लोड होके इसमें आएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगी। टर्शरी सेक्टर में आने के बाद में ट्रक से लोड होके यहाँ पे आई, तो ट्रक क्या है, एक सर्विस सेक्टर है, सर्विस में ट्रक वाले को, तो वहां से लोड होके यहाँ पे आई और यहाँ से आने के बाद में ये जो ब्रेड है किसके पास में आएगी, वैभव के पास में आ जाएगी, इसके लिए ईटिंग के लिए। तो ये क्या है, अपने तीनों सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज आती है। सबसे पहला तो एग्रीकल्चर और फार्मर जो है किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन करता है रॉ मटेरियल्स का। किसका प्रोडक्शन करता है प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन करेगा। वही सेकेंडरी सेक्टर जो है क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस चीज को, उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेगा कि उससे उसको क्या चीज बनानी है। और वही टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को, क्या करता है, बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो ये तीन चीज, तीनों सेक्टर एक ही बारी में, एक ही एग्जाम्पल से अपन ने समझ लिया। एक ब्रेड का एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में, वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे आता है, प्रोसेसिंग होता है, बनता है, यहाँ से फिर ट्रक से लोड होके एक इंसान के पास में जाता है खाने के लिए। तो जो यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकल के टर्शरी सेक्टर में जिस चीज से आ रहा है, तो वो जो ट्रक वाला है उसको एक बिजनेस मिल रहा है अपन को खुद को एम्प्लॉय करने का। तो टर्शरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस, या फिर कोई बिजनेस प्रोवाइड करे तो वो क्या कहलाएगा, टर्शरी सेक्टर कहलाएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, प्रोडक्शन होगा किसका, रॉ मटेरियल्स का। और टर्शरी सेक्टर में जो है, सेकेंडरी सेक्टर में जो है रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होगी, और टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड होगी, मतलब बिजनेस दिया जाएगा किसी को, तो वो क्या कहलाएगा, टर्शरी सेक्टर कहलाएगा। तो ये तीन सेक्टर क्या है, सेक्टर्स है इकोनॉमी के, ये तीन सेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि अपन ये जो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की, अब आजादी से पहले जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे तो कंपनीज हुआ ही नहीं करती थी, कंपनीज हुआ ही नहीं करती थी, तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता था, ये भी तो देखें कि भाई जब कंपनीज ही नहीं होगी आजादी से पहले, जो है अपन आजादी से पहले की बात करते हैं कि भाई कंपनीज ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा, तो अपन प्राइमरी टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के एग्जांपल देखेंगे। टर्शरीज में जो ऑफिस ये होगी, सर्विस सेक्टर जो है टर्शरी में आता है। प्राइमरी सेक्टर में पहले अपन कब की बात कर रहे हैं, 1947 की, 1947 में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट था वो किस में था, प्राइमरी सेक्टर में था सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लोग बात खेती ही करते थे। लेकिन जो इनकम का सोर्स था वो क्या था, इस टाइम पे एग्रीकल्चर तो था, लोग बात खेती तो कर रहे थे, लेकिन उस खेती के लिए उनको प्रॉपर जो है इनकम सोर्स, प्रॉपर इनकम नहीं मिल पा रही थी, किसमें, प्राइमरी सेक्टर में प्रॉपर इनकम नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए क्या है, प्राइमरी सेक्टर में 1947 से पहले जो है, 1947 से पहले कि भाई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो था एग्रीकल्चर में लेकिन इनकम कम थी। वही अगर आज की अपन बात करें तो आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट तो है एग्रीकल्चर में, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां भी कम है और कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए लोग बाग तैयारी तो करते लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो वो सीधे कहाँ पे शिफ्ट कर जाते, खेती पे। प्राइमरी सेक्टर में अभी भी, आज के टाइम पे भी, 2024 में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में ही है, एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, फार्मर ही है ज्यादा,
लेकिन आज के टाइम पे जो इनकम सोर्स है वो सबसे ज्यादा है टर्शरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? टर्शरी सेक्टर में है। 2024 के टाइम पे सबसे ज्यादा इनकम कहाँ पे है? टर्शरी सेक्टर में। वो कैसे? क्योंकि आईटी सेक्टर अपने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, इसलिए जो आईटी सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? आईटी सेक्टर में। अपन गुड़गांव नोएडा यहाँ पे साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखें कितनी बड़ी बड़ी इस कंपनी खुल गई। वहां पे एक आदमी से अगर अपन पूछेंगे भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो वो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 बताता है। क्या है? 50,000 उसकी सैलरी। तो इसीलिए पैसा तो ज्यादा है किसमें? आईटी सेक्टर में आज के टाइम पे। लेकिन पहले के टाइम पे जने ज्यादा थे प्राइमरी सेक्टर में और इनकम कम थी। इससे अपन को ये देखने को मिलता है कि 1947 में ह्यूमन तो ज्यादा थे किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जो इनकम जो थी वो कम थी। वहीं अगर अपन 2024 की बात करें, आज की बात करें, तो ह्यूमन अभी भी क्या है? कम है। मतलब किसमें? प्राइमरी सेक्टर में ह्यूमन कम है और इनकम जो है वो क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या दर्शाता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अनइक्वल क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? वेल्थ का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का कि सबको एक समान चीज नहीं मिल पा रही है, कि गरीब आदमी तो और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है आज के टाइम पे। वही क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का कि कोई किसान है, किसान आज के टाइम पे अगर सब्सिडी और ये सब देने जाएगा, जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि किसानों को जो प्रॉपर सब्सिडी नहीं मिल रही, सब्सिडी में भी कटौती हो रही है। ये अपन आगे जो क्लास आएगी उसमें अपन बात करेंगे इस सब चीज के बारे में। तो आज अभी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर आपको समझ में आए होंगे। क्या है प्राइमरी सेक्टर में? क्या है? फार्मर्स है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगी और भी कई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग होगी, सारी किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर में क्या? टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, किस में आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर में आ रहा है कि ये सर्विस दे रहे हैं किसी को। तो ये तीन सेक्टर समझ में आए होंगे। क्या है ये तीनों सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीसरी अपन जो चीज देखते हैं वो है क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या बला है भाई? आप ये इस चीज के बारे में देखते हैं, इस चीज को अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आज एक आदमी है जिसके पास में इतना खेत है, वो जो आदमी है मान लीजिए राहुल है, राहुल के पास में ये खेत है, इस खेत में ये काम कर रहा है और इसकी कैपेसिटी है कि ये इस खेत में 5 किलो गेहूं उगा सकता है। क्या उगा सकता है? 5 किलो गेहूं उगा सकता है। लेकिन वही अगर इसका कोई दोस्त आ जाता है, एक और इसका दोस्त आ जाता है रोहित, ये आके बोलता है कि भाई तू अकेला ही काम कर रहा है इसमें, तो मैं तेरे साथ में मैं भी काम कर लेता हूं इसमें। वही रोहित को देखे देख इसके कोई रिश्तेदार भी आ जाते हैं, इसके मामा के लड़के हो गए। कौन है इसके मामा के लड़के? चिंटू मिंटू। चिंटू मिंटू इसके मामा के लड़के आ गए दोनों।
अब एक खेत में काम करने वाले कितने जने हो गए? 4 जने। अब अपन ये सोचते हैं कि भाई 4 जने हो गए तो भाई 5 किलो की जगह ये जो है 20 किलो तो गेहूं उगाएंगे उगाएंगे। भाई एक अकेला राहुल मिलके इस खेत में 5 किलो गेहूं उगाने की इसकी क्षमता है, 5 किलो तक ही उगा सकता है, लेकिन 4 जने मिलके तो 20 किलो तो उगाएंगे उगाएंगे। लेकिन ये 4 जने मिलके भी ये सेम अमाउंट ऑफ वीट जो है यहाँ पे उगा रहे हैं, तो इस 3 जनों का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 3 जनों का मतलब ही क्या है जब एक अकेला राहुल ही 5 किलो उगा सकता था, तो ये 3 जने चिंटू मिंटू रोहित आए ही क्यों? तो ये 3 जने जो आए हैं ये वही है छुपी हुई बेरोजगारी की। दूसरे वालों को देखने में तो लगता है कि भाई ये इम्प्लॉयड है, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये जो है इम्प्लॉयड नहीं है। तो डिसगाइज्ड क्या है? वही है छुपी हुई बेरोजगारी। क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है वेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब। क्या है? वेन मोर पीपल्स आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन वॉट आर एक्चुअली नीड फॉर द वर्क इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? जब एक से ज्यादा जने एक ही जॉब में लगते हैं, लेकिन उस जॉब में उन जो ज्यादा जने हैं, एक आदमी से काम हो रहा है, लेकिन जो ज्यादा और लोग हैं उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसी चीज को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि भाई क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनकी जो सबकी डेफिनेशन है और सबके जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे ये लेक्चर खत्म होने के बाद, तो वहां से आप ये इसके डाउनलोड कर लेना। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया। अब अपन चौथी चीज ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या हो। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो आज ये है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। गवर्नमेंट और सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज जो है वैभव है, वैभव जो है एक जो क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैभव क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आज वैभव क्या करता है? कुछ ऐसा काम कर देता है कि इसकी नौकरी पे बात आ जाती है, तो इसको हटाने के लिए जो नोटिस है वो हायर डिपार्टमेंट में जाएगा, हायर डिपार्टमेंट में जाएगा। हायर डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसके ऊपर एक्शन लेगा, लेकिन एक्शन लेके भी वैभव को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, सिर्फ वैभव को क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। कुछ टाइम के लिए वैभव को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन वैभव जो पैसा कमाता था, मान लो वैभव जो है 50,000 रुपए कमा रहा है, वैभव 50,000 रुपए कमा रहा है, तो सस्पेंशन के बाद भी वैभव को आधी सैलरी मिलेगी, मतलब कितने? 25,000 रुपए वैभव को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो होता है ये होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, की जिसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है उस चीज को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है कि गवर्नमेंट क्या है जॉब सिक्योरिटी दे रही है किसी को, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। वही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैसे? कि यहां पे जो है ये जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं देते। अपन एग्जांपल ले कोरोना टाइम का, कि कोरोना टाइम पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनको पैसा तो देना पड़ेगा और काम करा नहीं रहे, तो उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर ने निकाला है। निकालने के बाद वो जो आदमी है वो अपनी रेडी लगा के बैठे हैं आज भी रोड पे। कईयों ने अपना अलग अलग कैफे डाल लिया, किसके पास में अच्छा पैसा तो उन्होंने कैफे डाल लिया, किन्हीं के पास में पैसा नहीं था तो वो रोड पे ही
चाउमीन का ठेला लगा के बैठे। तो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर है जिसमें जो ये जॉब तो ऑफर करते हैं लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं देते, वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जिसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है वो है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें जो है ये जॉब ऑफर करते हैं आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये जॉब तो ऑफर कर रहे हैं लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो है हाथ नहीं है, गवर्नमेंट आपको जॉब सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकेगी। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये कुछ चार पांच टर्म थी जो कि किस्मत थी, बेसिक्स थी इकोनॉमी की। आज अपन ने ये कवर करी, कल अपन ने कवर करी थी इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज अपन ने क्या देखा, बेसिक्स, जिसमें चार चीजें थी, कौन कौन सी, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा, और ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा। एक बार वापस से देख लेते हैं, वापस से रिविजन कर लेते हैं कोई, कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है, किसी का डेवलपमेंट किसी का डिस्ट्रक्शन होता है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या थी, सस्टेन ग्रोथ हो पॉजिटिव मैनर में। वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखा, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर आया। प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और ये रॉ मटेरियल की, टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर। डिसगाइज इकोनॉमी, छुपी हुई बेरोजगारी, जिसमें क्या है, एक नंबर ऑफ पीपल एंगेज हो रहे हैं किसी जॉब में लेकिन उस जॉब में एंगेज होने की उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल आदमी ही वो जॉब का काम कर सकता है, तो वो क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। ये क्या है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स था, चार टर्म थी जिसमें अपन ने आज देखा। इसके जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।